चला है आपकी किस्मत के बारे में जानने का, यानी कि किस्मत कनेक्शन का। जी हाँ, मैं हूँ आप सभी के साथ पूजा खविया। किस्मत कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो किस्मत कनेक्शन में हम बात करते हैं आपके किस्मत के, आपके सितारों की, आपके भाग्य की। क्या कुछ है आज आपके भाग्य में, यही आज हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। जी हाँ, हमारे साथ रंजना राणा जी जुड़ चुकी हैं, टैरो कार्ड एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रंजना जी इस कार्यक्रम में। थैंक यू। तो आज तमाम दर्शकों के भाग्य की बात हम करेंगे, नंबरों के आधार पर, अंकों के आधार पर आपका आज का भाग्य क्या कहता है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश के दिन की। शुरुआत रंजना जी इसी के साथ कर लेते हैं कि आज प्रदेश का दिन कैसा रहने वाला है। आज हम देखते हैं कि प्रदेश का दिन बहुत बेहतर होने वाला है। जो थोड़ी बहुत परेशानियां चल रही हैं कुछ दिनों से, अब ये थोड़ी बहुत ठीक होने लग जाएंगी। एंड डेफिनेटली जैसे ही जैसे दिन बढ़ेगा, यू विल फाइंड कि जो आज का दिन है उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए, दिन बढ़ते बढ़ते आप लोगों का दिन और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस दौरान अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, कोई आपको ऐसी समस्या आ रही है नौकरी को लेकर, शादी को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर, आगे जो है बहुत सारे आपके क्वायरीज होंगी, तो आप पूछ सकते हैं। कई बार प्रमोशन को लेकर कई अटकलें होती हैं, तो बहुत सारे सवाल होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम चीजें सहते हैं। अगर आप उनसे जुड़ी कोई बात हमसे पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछ सकते हैं। टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको हम छोटे छोटे टिप्स दें ताकि आपकी जो लाइफ है पॉजिटिव हो सके, पॉजिटिव एनर्जी आपको आ सके। हम रंजना जी शुरुआत कर लेते हैं नंबरों की भी। नंबर एक से हम शुरुआत करते हैं। नंबर एक का भाग्य आज क्या कुछ कहता है। नंबर एक का भाग्य हम देखते हैं कि बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेनी है जिस जो कि उनके लिए भाग्य में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इट विल डू जस्टिस इन हिज लाइफ। इनको भगवान से भी बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिला हुआ है, तो जो भी आज कार्य शुरू करना चाहते हैं वो इतने दिन से जो ये सोच रहे हैं उनको आज ये डिसीजन ले लेनी चाहिए और उस कार्य को आरम्भ करना चाहिए। घर से गुड़ और पानी पी के जाए, इससे उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो घर से, हाँ जी बताइए। उनका जो रंग है वो है ऑरेंज और उनका जो रंग है वो है नंबर 9। चलिए, तो नंबर आपका कौन सा लकी रहने वाला है, कलर आपका कौन सा रहने वाला है, ये भी हमने आपको बताया। सोनिया है हमारे साथ। सोनिया जी नमस्कार, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हमने सोनिया ना भाई के बारे में पूछना है। उनका नाम सोनू है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 अप्रैल 1985 दिन रविवार। वो फॉरेन गया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। उसका पक्के उनका काम कब तक बनेगा, हमें ये पूछना है। ठीक, देखिए हम देखते हैं उनका थोड़े काम में भी विलंब आने वाला है, इतनी जल्दी नहीं होगा, मगर काम उनका जरूर हो जाएगा। मगर अभी भी इसमें 3 महीने जरूर लगने वाले हैं, इससे ज्यादा परेशान मत होइए। एंड डेफिनेटली 3 महीने के अंदर अंदर उनका जो कार्य है उनके फेवर में हो जाएगा। बिल्कुल, थोड़ा सा विलंब है लेकिन उसके बाद काम जरूर होगा। ऐसे ही अगर आपके पास भी कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, टेलीफोन लाइंस खुली हुई हैं, पूछिए आप अपने सवाल और उसके बाद हम आपको टिप्स भी बताएंगे आपको क्या करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए। उन सब चीजों की जानकारी हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए देने की कोशिश करते हैं। नंबर 2 की बात कर लेते हैं। जी हाँ, आज नंबर 2 के लिए क्या कुछ खास है, उनके लिए कौन सा कलर खास है, कौन सा अंक उनके लिए खास है, सब कुछ जानेंगे। 2 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छा दिन होने वाला है। स्पेशली उनको जो जिन लोगों के जो लेडीज हैं उनसे सब लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। स्पेशली जिनकी जो बॉसेस हैं उससे उनको बहुत फायदा होने वाला है। जो लेडीज हैं, जो भी वो कार्य क्षेत्र में है, जैसे कि वो उनके ब्यूटी पार्लर्स हैं या उनकी बुटीक्स वगैरह हैं, उनको आज का दिन उनके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। और उनको जो भी नए डिजाइन, न्यू चीजें वो जो उसमें लाना चाहते हैं वो आज उसमें ना ला सकती हैं। उनका जो आज का रंग है वो है येलो और उनका जो अंक है वो है नंबर 3। तो चलिए, हमने अंक भी आपको बता दिया, कलर भी बता दिया, आपके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। रंजना राणा जी आगे भी बढ़ लेते हैं, नंबर 3 वालों के लिए भी हम क्या खास है उसकी जानकारी उनको देते हैं। नंबर 3 वालों के लिए हम देखते हैं कि जो भी कार्य करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के कोई भी कार्य करना चाहिए। थोड़ा सा ये टाइम उनका है पेशेंस का, घबराएं नहीं, काम उनके जरूर होंगे मगर आराम से सोच समझ के जो भी कार्य करें उसको, जो भी अगर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या जो भी कहीं पे उनको इम्पोर्टेंट डिसीजन या किसी पे कार्य, किसी पेपर पे अगर साइन करना है उनको बहुत सोच समझ के करना होगा। अदरवाइज इनका जो प्रोग्रेस है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाला है आज का दिन। और उनका जो आज का रंग है वो है व्हाइट और उनका जो अंक है वो है नंबर 2। तो चलिए, आज का दिन काफी अच्छा होने वाला है। अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कॉलर। अरविंद जी नमस्कार, क्या पूछना चाहते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। अरविंद जी पूछिए।
अरविंद आप मुझे बोलिए बोलिए, टीवी की आवाज जरा कम कीजिए। मेरे बारे में पूछना है जी, कोई नौकरी नौकरी के लिए। हाँ डेट ऑफ बर्थ बताइए। अरविंद आपकी टीवी सेट की आवाज बहुत तेज है, संपर्क नहीं हो पाएगा, ऐसे में बात रिपीट होती रहेगी। हम कई बार आप लोगों से कहते हैं आप कार्यक्रम में जुड़ते हैं, टेलीविजन सेट की आवाज को कम करके रखिए ताकि जो आपका सवाल है हम समझ पाए। किरण पंजाब से जुड़ चुकी है कॉलर। किरण जी नमस्कार, डेट ऑफ बर्थ बताइए और क्या सवाल पूछना चाहती है बताइए। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 1990। हेलो बोलिए क्या पूछना चाहती हैं। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 1990। हाँ जी बताइए। मैम और मैंने ना कनाडा के लिए वीजा फाइल किया है, एक वीक हो गया मैम, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? डेफिनेटली आपका रिजल्ट जो है बिल्कुल पॉजिटिव आएगा, आप जरूर जाएंगी, आप बिल्कुल भी इस बात में फिक्र मत कीजिए, आपका कार्य अवश्य बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो काम आपका जरूर बनेगा, थोड़ा सा पेशेंस थोड़ा सा इत्मीनान रखने की जरूरत है और उसके बाद देखिए आपका जो काम है जल्द ही आपका काम बन जाएगा, लेकिन आप जैसे कहा कि धैर्य रखिए और वो जरूरी भी हो जाता है। रंजना जी अगले हम नंबर की तरफ बढ़ते हैं, नंबर चार वालों की बात अब हम कर लेते हैं। तो कार्ड्स आ चुके हैं, नंबर चार वालों के लिए क्या खास है, कैसा उनका दिन रहने वाला है बताते हैं आप। आज का दिन इनका हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इनको करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इनको मेहनत करनी पड़ेगी, मगर डेफिनेटली दोपहर बाद इनकी जो भी ये जिसमें भी ये इतना मशक्कत करेंगे उससे इनको फ़ायदा होने वाला है एंड डेफिनेटली इनको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, और जिससे कि आज जो कार्य करेंगे फ्यूचर के लिए भी इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आज का इनका जो रंग है वो है डार्क ब्लू और इनका जो अंक है दैट इज़ नंबर 8। तो अंक हमने आपको बता दिया, आपके लिए कौन सा कलर शुभ आज रहने वाला है ये भी हमने आपको बता दिया है, लेकिन आपके पास कोई सवाल हो आप पूछना चाहते हो अपनी किस्मत के बारे में, आपकी किस्मत के पिटारे में क्या लिखा हो, आपका भाग्य क्या कुछ कहता है, तो ये कार्यक्रम आप सभी के लिए है, सबका स्वागत हम करते हैं, जुड़ सकते हैं आप लोग कार्यक्रम में और इस दौरान हम आपको छोटी छोटी टिप्स भी देते हैं, साथ ही हम आपको नंबरों के आधार पर टैरो कार्ड क्या कहते हैं, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं आज के दिन के लिए, आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से आप पहले ही एहतियात बरतें ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना आ पाएं। नंबर पाँच की बात कर लेते हैं, रंजना जी नंबर पाँच वालों के लिए क्या खास बता रही हैं आज आप? नंबर पाँच वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है, इनको बहुत सक्सेस मिलने वाली है एंड जो भी इनके ट्रैवल प्लान्स बनेंगे, जो भी इनको ट्रैवल करके जो भी ये कार्य करना चाहेंगे उसमें इनको बहुत फायदा होगा, और जिनकी भी ट्रैवल एजेंसीज हैं उनको आज बहुत ही अच्छे प्रपोजल्स मिल सकते हैं जो कि उनके लिए फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करने वाले हैं। तो आज का दिन इन सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और इनका जो आज का रंग है वो है मोव और इनका जो अंक है वो है नंबर 6। तो चलिए नंबर हमने आपको बताया कौन सा लकी है, कलर हमने आपको बताया कि कौन सा कलर आज आपके लिए शुभ हो सकता है, और यही हम आपको बताते हैं ताकि आपके जो दिन की शुरुआत है वो काफी अच्छी हो सके, आप अपने दिन को अच्छे से जी सकें। नंबर 6 की बात अब हम कर लेते हैं, जी हाँ आज नंबर 6 वालों के लिए क्या कुछ खास है जानते हैं रंजना जी से। नंबर 6 वालों के लिए आज का दिन सेलिब्रेशंस का है, बहुत ही ज़्यादा इनका इनको सक्सेस मिलने वाली है, कहीं ना कहीं से इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलने वाली है, न्यूज़ मिलने वाली है जिससे इनको बहुत ही फायदा होने वाला है और इनको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आज खुशी से आज अपना दिन आप व्यतीत कर सकते हैं। इनका जो आज का रंग है वो है ग्रीन और इनका जो अंक है वो है नंबर 5। तो अंक हमने आपको बता दिया, नंबर हमने आपको बता दिया, कौन सा कलर आपके लिए शुभ रहने वाला है ये भी हमने आपको बता दिया, लेकिन इस दौरान अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं ताकि आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका समाधान आप कर सकें। रंजना जी एक जो सवाल कई बार दर्शक पूछते हैं कि घर में पॉजिटिव एनर्जी कैसे आए, ऊर्जा कैसे आए, इसके लिए आप लोगों को क्या छोटी छोटी टिप्स देना चाहती हैं? इसमें मैं इनको बहुत छोटी छोटी टिप्स देना चाहती हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि सुबह के समय 1 घंटे के लिए स्पेशली अपना जो सुबह के टाइम अपना घर द्वार खिड़कियाँ खोल के रखनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम जितनी भी एनर्जी होती है उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, तो उनका घर में जब वो फ्रेश एयर आएगी तो अंदर की जितनी भी दूषित हवा है वो निकल चली जाएगी। एंड इसके अलावा उनको ट्राई करना कि चाहिए कि घर में सूरज की रोशनी आए, जितनी सूरज की रोशनी उनके घर के अंदर आएगी उसमें जितने भी कीटाणु हैं जितने बैक्टीरिया वायरस हैं वो मर जाएंगे और घर में इनके एकदम स्वच्छ एटमॉस्फेयर हो जाएगा। डेफिनेटली इसके बाद हम देखते हैं कि इनको रोज सुगंधित अगरबत्ती धूप या कपूर जलानी चाहिए, क्योंकि जो सुगंधित सुगंध होती है इससे इनके माइंड को जो है रिलैक्सेशन मिलेगी। देन इनको ये देखना चाहिए कि रोज इनको 1 घंटे के लिए स्पेशली मिनिमम
इनको कोई भजन कीर्तन अपने घर में लगाने चाहिए, चाहे वो टीवी में लगा के रखें या रेडियो पे, इससे घर की जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी। फिर एक और बहुत इम्पोर्टेंट वो है जिससे कि इनकी नकारात्मक एनर्जी चली जाएगी, वो है कि नमक डाल के इनको अपने घर में पोछा लगाना चाहिए। जब इनकी घर में अच्छी एनर्जी आएगी, इनका माइंड रिलैक्स होगा, इनकी बॉडी रिलैक्स होगी, देन डेफिनेटली इनकी हेल्थ अच्छी होगी, तो इनके एक्शंस अच्छे होंगे, तो जहाँ पर भी ये जाएंगे इनकी सफलता कदम चूमेंगी। तो बिल्कुल देखिए, पॉजिटिव एनर्जी रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी तो आप भी शारीरिक रूप से अच्छे बेहतर रह पाएंगे, स्वस्थ जीवन आपका हो पाएगा। एक कॉलर है हमारे साथ, अलका जुड़ चुकी हैं। अलका जी नमस्कार, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी सिर्फ पेपर दे रही है बाहर जाने के लिए, पहले तो दो बार काम नहीं बना, अब वो फिर ट्राई, मैं जानना चाहती हूँ क्या उसका अभी काम बन सकता है? डेट ऑफ बर्थ क्या है मैम उनकी? है 20 नवंबर 1991। ठीक, देखिए ये इस समय जो हम देख रहे हैं, जो कार्ड्स आए हैं इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल आए हैं, एंड डेफिनेटली बहुत ही मेहनत के साथ इनको अपना जो पेपर है देना चाहिए, और इनको ज़रूर इसमें सक्सेस मिलेगी। जब भी वो अपने पेपर देने जाएं, घर से दही चीनी खा के जाएं, उससे इनका पेपर भी अच्छा होगा और इनको डेफिनेटली इसमें फिर सफलता मिलने वाली है। बिल्कुल, तो सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन जो आपको बताया गया है उन टिप्स का आप ख्याल रखिए, ताकि जो सफलता आपको थोड़ी देर में मिले वो आपको पहले मिल जाए। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप ज़िंदगी में अगर अपनाते रहेंगे तो यकीन मानिए खुश आप रहेंगे, आपका जीवन स्वस्थ रहेगा और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी आपको मिल पाएंगी। आगे हम बढ़ लेते हैं, टिप्स की हमने बात कर ली, नंबर 6 वाले इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज उनका दिन कैसे रहने वाला है। तो नंबर 7 की बारी, 7 की है, 6 का हो चुका है, लेकिन नंबर 7 के लिए क्या कुछ खास है जानते हैं? नंबर 7 के लिए हम देखते हैं आज का दिन थोड़ा हेल्थ के हिसाब से इनको थोड़ी सी तकलीफ रहेगी, इनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली खाने पीने के अंदर इनकी पेट की प्रॉब्लम, एंड डेफिनेटली आँखों के लिए भी हम देखते हैं कि इनको ज़्यादा आईज़ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इनको डेफिनेटली बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, कूलिंग चीज़ें खानी चाहिए ताकि इनका शरीर जो है इसमें जितनी भी एनर्जी हो वो कूलिंग एनर्जी रहे। बट बाजरा और चीनी का दान इमीडिएटली आप कर दीजिए, डेफिनेटली जैसे जैसे दिन व्यतीत होगा आपका जो प्रॉब्लम है वो आपकी ठीक होने लग जाएगी, और आपका जो रंग है वो है मरून, और आपका जो अंक है वो है नंबर 1। तो सेहत का आज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेहत संबंधी विकार हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे, इन सब चीज़ों का एहतियात पहले ही बरतेंगे, तो स्वस्थ जीवन आपको ज़रूर मिल पाएगा। तो ध्यान आपको रखना होगा और उसके बाद देखिए एक अच्छा जीवन, एक अच्छा लाइफस्टाइल आपका रह पाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, नंबर 8 की भी साथ ही साथ बात कर लेते हैं। आज नंबर 8 वालों के लिए क्या कुछ खास है, किन चीज़ों से उनको बचना चाहिए, क्या करना चाहिए? रंजना जी, आज नंबर 8 वालों के लिए दिन बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, इनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कोई अच्छा बिजनेस में प्रपोजल मिलेगा जिनको, जिससे इनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, एंड इनको बहुत अच्छी न्यूज़ भी मिलने वाली है। ये बच्चों के लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो इनको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे बिजनेस प्रपोजल्स मिलेंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के चांसेस भी हैं, तो आज का दिन नंबर 8 वालों के लिए बहुत ही बेहतर दिन है। इनका जो आज का रंग है वो है ब्लैक, और इनका जो अंक है वो है नंबर 4। तो बिल्कुल हमने आपको नंबर बता दिया, अंक बता दिया। इस बीच हमारे साथ कॉलर राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल जी नमस्कार, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी और आपका क्या सवाल है, पूछ लीजिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8/6/1988। हेलो, क्या पूछना चाहते हैं आप राहुल जी? हाँ जी, मैं मेरी गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछना चाहता हूँ कब लगेगी, और अगर कोई प्राइवेट मेरे को बिजनेस करना या फिर जॉब करनी है तो उसके बारे में आप क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपकी डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, इसमें आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपको एक छोटा सा उपाय करना पड़ेगा, वो है कि सूरज को जल आप रोज़ ज़रूर दें उसको, और आदित्य हृदय स्त्रोतम का पाठ आप रोज़ करना शुरू कर दें, एंड डेफिनेटली राहुल जी आपके काम जो है वो थोड़ी टाइम ज़रूर लगता है, थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर लगता है, मगर आपके काम जो होंगे बहुत अच्छे होंगे और बहुत जल्द होंगे, फिक्र करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं। बिल्कुल, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ ही जब भी हम जॉब्स की तैयारी करते हैं तो पढ़ाई भी और परिश्रम भी उतना ही करना पड़ेगा, उसके बाद देखिए किस्मत भी आपके साथ जरूर होती हुई नजर आएगी। आपके कई और सवाल होंगे, अभी जो नंबर बच रहे हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक पर जा रहे हैं।
बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में सुमंत्र, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्यों में आयुर्वेद का कमाल देखना, ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प, खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो। पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। कभी चाय के साथ, कभी दोस्तों के साथ, दिखने में जितनी लजीज, खाने में उतना ही स्वाद। आपके मन में भी कई सवाल उठते हैं, आखिर जिस ब्रेड को हम खाते हैं वो कैसे बनता है, कितने हाइजीन होता है। इन्हीं सब सच्चाइयों को जानने के लिए हम ऐसे ही ब्रेड फैक्ट्री में पहुंचे हैं और वहां पे जानते हैं कि कैसे ब्रेड को बनाया जाता है। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार, MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती है। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। स्वागत है आप सभी का किस्मत कनेक्शन में। आज आपके भाग्य में क्या कुछ लिखा हुआ है और कैसा आपका दिन रहने वाला है, इसी के बारे में हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। साथ ही आपके जो सवाल हैं उन सवालों में जो समस्या आ रही है उसका समाधान करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आखिरी नंबर 9 वालों की बारी आ चुकी है, काफी देर से वो इंतजार कर रहे होंगे कि आज उनका दिन कैसे रहने वाला है, क्या कुछ खास है उनके लिए, जानते हैं नंबर 9 के बारे में। नंबर 9 वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़े से परेशानी में जरूर घिरे हुए हैं, अपने माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन नेगेटिविटी लेके बैठे हैं। उनको सजेशन यही है कि वो सब जो इनके दिमाग में चीज़ें हैं उनको ख़त्म करें और थोड़ा नमक डाल के वो जाके अपना स्नान करें और पूजा पाठ करके अपना कार्य शुरू करें। उनको डेफिनेटली सफलता मिलने वाली है अपने कार्य के अंदर। अपनी नेगेटिव एनर्जी करके अपना माइंड अपना परेशान मत करें और अपना कार्य करना शुरू करें। घर से वो इलायची खा के चलें, जो भी कार्य करने जाएंगे उससे उनको सफलता मिलेगी। उनका जो आज का रंग है वो है रेड और उनका जो अंक है दैट इज़ नंबर 1।
तो बिल्कुल नंबर हमने आपको बता दिया है, आपके लिए कौन सा कलर शुभ होने वाला है वो भी हमने आपको बता दिया। इस बीच सुनीता है हमारे साथ एक दर्शक। सुनीता जी नमस्कार, क्या पूछना चाहती हैं आप बताइए, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भी बता दीजिए। अभी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। चलिए क्या पूछना चाहती हैं आप? अभी मेरी समस्या घर का बारे में पूछना था जी। घर में बरकत नहीं जी। बरकत नहीं हो रही है घर में? हाँ जी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ तो नहीं मालूम लेकिन ठीक है, हम देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है जी। ठीक है, कोई बात नहीं। घर में जो बरकत नहीं हो रही है उससे, जैसे हमने आपको भी बताया है कि घर में जो है अच्छी एनर्जी लाने के लिए हमने प्रोग्राम के शुरू में बताई है, वो सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा आपको देखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट मतलब कि उत्तर पूर्व में आपके जो भी भारी सामान पड़ा है या जो भी ऐसा सामान है जिससे कि आपकी एनर्जी घर की ब्लॉक हो रही है, उसको आप हटा दें वहाँ से। एंड इस जितनी भी आप सफाई उस जगह में रखेंगे उतना आपका बेटर रहेगा। आप देखना घर के अगर बिल्कुल बीचम बीच बहुत ज़्यादा भारी सामान नहीं होना चाहिए, इससे भी जो घर में दिक्कत या परेशानियाँ आती हैं। ये सब छोटी छोटी टिप्स अगर आप ध्यान में रखेंगे इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आपके घर के आसपास भी अगर सफाई नहीं है उससे क्या हो जाता है कि नेगेटिव एनर्जी आती है और जो हमारी सोचने की क्षमता है वो खराब हो जाती है। अपने घर के अंदर और अपने घर के आसपास थोड़ा सफाई रखिए, उससे आप देखेंगे कि घर में डेफिनेटली ऊर्जा जब इम्प्रूव होगी आपकी माइंड रिलैक्स होगा और आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके अलावा गुड़ के सेव के ऊपर आप सिंदूर लगा के रोज पक्षियों को डालें, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए फायदा आपको मिलेगा, आप सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी, हमने आपको बताया। बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको आप अगर रोजाना फॉलो करेंगे तो इससे जो फायदा है आप लोगों को ही मिलेगा। साथ ही रंजना जी हम यहाँ पर बात करेंगे आगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं सार से, उनसे पहले उनका सवाल पूछ लेते हैं। भूपेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, डेट ऑफ बर्थ क्या है बताइए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 1990। मैडम अपनी जॉब के बारे में पूछना था कि मेरी जॉब कब तक लग जाएगी, क्योंकि मुझे मैम काफी टाइम होगा वेट की जॉब। चलिए तो जॉब के बारे में इनका सवाल है। देखिए जो जैसे हमको कार्ड्स आए हैं इसमें तो हमको लगता है कि जॉब इनकी जल्दी लगनी चाहिए। एंड डेफिनेटली एक मैं टिप देना चाहूंगी आपको कि जब आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएं उसके अंदर आप लिख सकते हैं कि 11 पीले फूल लीजिए, 5 इलायची लीजिए और ओम गणेशाय नमः आप 108 बारी करिए। उसके बाद 2 इलायची और 2 फूल आप अपने पॉकेट में रख लीजिए, 1 इलायची खा के आप घर से चले जाइए। जैसे ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए वो आप 2 इलायची अपने मुंह में डाल के चले जाइए। एंड जस्ट डेफिनेटली जो आपकी इंटरव्यू है उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। हम देख सकते हैं कि आप डेफिनेटली बहुत होशियार भी हैं, हार्डवर्किंग भी हैं और आपको जल्दी ही जॉब मिलने वाली है। तो जल्दी आपको जॉब मिलेगी, लेकिन जो आपको टिप्स दिए हैं रंजना जी ने उनको फॉलो जरूर कीजिएगा और ये जो चीजें होती हैं वो आप सब अपने जिंदगी में अपना सकते हैं ताकि आप बेहतर लाइफस्टाइल अपना जी सके। रंजना राणा जी आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए, दर्शकों की समस्या का समाधान आपने किया, बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत सारे दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल किस्मत कनेक्शन में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार। We'll be right back.